हे गाइस, वेलकम टू ललिता गोयारिस ब्लॉग। आज हम बनाने वाले हैं वेज सब्जी। तो हमने इसके लिए लिया है सोयाबीन। हमने इसको थोड़ा देर गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। अभी हमने यहाँ पे कूटा है लहसुन और मिर्चा। हमने यहाँ पे लिया है टमाटर और शिमला मिर्च एक प्याज और दो आलू। तो हमने इधर कढ़ाई बिठा दिया है। यहाँ पे थोड़ा तेल दे देंगे, थोड़ा नमक दे दिया, थोड़ा हल्दी दे दिया। अभी हम यहाँ पे सोयाबीन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक इसका कलर सेलो गोल्डन कलर ना हो जाए तब तक। आप देख सकते हैं हमारा सोयाबीन जो है वो पक चुका है। अभी हम उसी कढ़ाई में आलू को फ्राई कर देंगे। अभी हमने दे दिया है थोड़ा नमक। हमारा आलू भी अच्छे से थोड़ा फ्राई हो चुका है। अभी हमने दे दिया शिमला मिर्च। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको और थोड़ी देर तक पकाएंगे। अभी हमारा शिमला मिर्च और आलू पक चुका है, तो हमने इसको निकाल दिया। उसी कढ़ाई में फिर से तेल देके जीरा दे दिया। अभी हमने दिया है ऑनियन। अभी हमने दिया है गार्लिक और चिल्ली का पेस्ट जो हमने कूट के रखा था। अभी हम देंगे यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे फिर से आलू और शिमला मिर्च को। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे। हमारा आलू और शिमला मिर्च अच्छी तरह से पक चुका है, तो अभी हमने यहाँ पे दे दिया टमाटर। और इसको तब तक ढक के पकाएंगे जब तक टमाटर अच्छी तरह से पक न जाए। हमारा टमाटर भी अच्छे से पक चुका है, तो अभी हमने दे दिया यहाँ पे गर्म पानी। देख सकते हैं हमने इसको ढक के रख दिया था 10 मिनट तक। तो अभी हमने यहाँ पे दे दिया है सोयाबीन। हमारा सब्जी ऑलमोस्ट पक चुका है। अभी हम यहाँ पे देंगे थोड़ा धनिया। हमारा सब्जी जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको प्लेटिंग कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना तक ही, बाय बाय।